ही गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस, लिटरली बहुत दिनों के बाद मैं बीजेएमआई का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ चुका हूँ। जनरली मैं डेली बेस में वीडियो नहीं बना सकता गाइस, अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ना ही कुछ ऑफिशियल कहना भी चाहते हैं, तो इसलिए मैं डेली बैन अनबैन वाला वीडियो नहीं ला सकता। आप सबको पता, मुझे तो व्यूज मिल जाएगा, मुझे भी पता है भाई, मेरा चैनल ग्रो होते ही रहेगा, बट इतना मुझे ही पता है कि आप लोग का केवल उम्मीद टूटेगा और लास्ट में जाकर आप मेरे से भरोसा भी तोड़ दोगे। जितना अभी बचा हुआ है, भले व्यूज कम आए, फिर भी आप जितना भरोसा करते हो वो मैं एटलीस्ट, अगर मैं जानबूझ के नहीं तोड़ना चाहता, तो इसलिए डेली बेस में आप उम्मीद मत कीजिए मेरे चैनल पे ऐसा कुछ होने वाला। जब जब मुझे बीजा में कंटेंट मिलेगा मैं डेफिनेटली डालूंगा, नहीं तो मैं अलग अलग गेम के भी डाल सकता हूँ। मुझे पता है सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, गलत न्यूज से अच्छा भाई कम ही व्यूज आए तब भी चलेगा, ठीक है। तो चलो, आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक्चुअली बोल सकते हैं पब्लिशर से रिलेटेड ही होने वाला, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से एक दो बंदे ने मुझे टैग किया था, एक बोल सकते हो पॉपुलर ई स्पोर्ट का बोल सकते सीईओ ने ये बोल सकते स्टोरी डाला था, और मैं किसी का स्टोरीज में बोल सकते हो वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि बहुत सारा पर्सनल ओपिनियन भी रहता है, तो इसलिए वीडियो बनाने कोई सेंस नहीं है। बट ये स्टोरी में बाकी सब चीज़ आप पढ़ सकते हो, आखिरी का जो लाइन आप देख पा रहे हो ना उससे रिलेटेड ही हम लोग बात करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी कोई भी एप्लीकेशन कोई भी गेम से आप कनेक्ट कर सकते हो और एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन आप इसको ले सकते हो। इसको अनबैंड और बैन से कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअल में 2 महीना पहले गेम जब प्ले स्टोर से निकाला गया था वो कंडीशन से अभी 2 महीना बाद वही कंडीशन में है कि उससे अच्छा हुआ खराब हुआ वो भी किसी को नहीं पता था, इसलिए कोई सेंस नहीं बनता उस पर ऊपर कमेंट करने के लिए। बट ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, बीजेएमआई एक्स जो सेलुलर नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा और इंडिया का फ्लैग, तो इसमें ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये बीजेएमआई को शायद से न्यू पब्लिशर मिलने वाला है, जब वापस से गेम वापसी करेगा तो एक नया पब्लिशर के साथ करेगा, तो ये चीज़ कितना सही है वो मुझे नहीं आइडिया, बट हम लोग बात करेंगे कि भाई ये पब्लिशर अगर सच में बीजेएमआई को मिलता तो कितना बेनिफिट होगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, अगर बीजेएमआई को इंडियन पब्लिशर को मिल जाएगा तो बीजेएमआई को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और इवन इंडियन ऑडियंस को भी मिलने वाला है अगर पब्लिशर मिलता है तो, क्योंकि गाइस आपको पता है कि पिछले साल जब बीजेएमआई लॉन्च हुआ था इंडिया में तो इंडिया का कोई भी कंपनी पब्लिश करने के लिए राजी नहीं हुआ था और इवन क्राफ्टन को खुद से ही पब्लिश करके ये गेम को लॉन्च करना पड़ा था, और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा और दिक्कत हो गई, गेम वापस से प्ले स्टोर से निकल गया इसी चलते, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है वो सही नहीं बैठा होगा गवर्नमेंट और कंपनी के साथ। और यही जगह एक साल पहले अगर बीजेएमआई कोई इंडियन कंपनी के साथ कोलैब करके पब्लिश करता तो मुझे नहीं लगता कि आज का ये सिचुएशन आता, क्योंकि गवर्नमेंट को इंडियन वो सख्त कंपनी के साथ बातचीत करने में और कंफर्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल, और लगता है माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेशनल कंपनी में उतना ज़्यादा वो लोग भरोसा भी नहीं दिखाते, क्योंकि आपको पता है ये गेम का ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। तो यही जगह अगर कोई भी एप्लीकेशन है कोई भी पॉपुलर गेम को कोई भी रेपुटेटेड बोल सकते इंडियन कंपनी बोल सकते पब्लिश करता तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट को बातचीत करने में इजी होगा और कोई गड़बड़ भी हुआ तो वो फटाफट सॉल्व भी कर सकते, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई गेम को पब्लिशर मिल जाता है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड का तो वो ब्रांड का पावर को यूज़ करते हुए गेम का नाम को और भी बढ़ा सकता है, इवन गेम अगर पॉपुलर है तो वो गेम का नाम का यूज़ करते हुए अपना ब्रांड को पॉपुलर बना सकते हैं, इसमें दोनों का ही फायदा है अगर दोनों ही फेमस है तो, ठीक है। बट इनिशियल फेज में बहुत सारे पब्लिशर ये सोच रहे थे कि भाई ये गेम वापस आ रहा है तो लोगों को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, तो इसी चलते माइट भी उस टाइम पब्लिशर नहीं मिला, बट अभी आपने देखा कि एक साल के अंदर लिटरली बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट हुआ इंडिया में, पब्लिशर को पता भी चल रहा है कि हाँ ये गेम में पोटेंशियल है, और टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी बता देता हूँ कि भले ही बहुत लोग गेम छोड़ दिए खेलना, बट अभी भी मैं नोटिस किया हूँ कि जो बीजेएमआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता है या बोल सकता है अनबैन बैन का लोग देख रहे हैं, मतलब उन लोग चाहते हैं कि गेम वापस आ जाए, भले अभी खेल नहीं रहे बट वीडियो देख रहे कि कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल में सही है। तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया है, अभी भी गेम को लोग छोड़े तो है, लिटरली परफेक्ट वर्ड रहेगा कि दिल से नहीं निकाले, अगर गेम आता है तो लोग वापस आने वाले ये फॉर श्योर है, अगर उसका अंदर कोई पॉपुलर गेम बीच में लॉन्च ना हो तो। और एक चीज़ बता देता हूँ कि पब्लिशर करने से बहुत सारा फायदा है, जैसे इसका जो एडवर्टाइजमेंट है गेम का बहुत ज़्यादा होगा, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट होगा जो कि साउथ कोरिया कंपनी माइट भी उतना बोल सकते लेवल में पहुंच नहीं पा रहा बाहर का कंपनी के हिसाब से, बट इंडियन कंपनी अगर पब्लिश करता तो वो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिज़ाइन किया जाएगा, टूर्नामेंट डिज़ाइन किया जाएगा, इवेंट जो इन गेम इवेंट होगा उसको भी वैसे तरह के कस्टमाइज करवा के लॉन्च करवाएगा जिससे उसका भी फायदा हो और बोल सकते गेम का ग्रोथ बढ़ते जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता पब्लिशर, इवन एक दो एग्जांपल में दे सकता पबजी का ही, पबजी का अगर आप वियतनाम वर्जन देखोगे तो उधर टेंसेंट पब्लिश नहीं करता, वो वीएनजी गेम्स करता जो जिसको कि वियतनाम का ही कंपनी है, तो उन लोग के लिए अच्छा, इवन और एक वर्जन था वो वर्जन का
ताइवान था ना, कौन सा वर्जन था, उसमें भी टेंसेंट पब्लिश नहीं करता, उसमें हॉट कूल नाम का एक ब्रांड पब्लिश करता, वो भी वो पर्टिकुलर कंट्री का ही बोल सकते हो कंपनी है, और वो पब्लिश करता जिससे उन लोग का ही फायदा हो जाए। वैसे बीजामा को इंडियन कोई पब्लिशर मिल जाता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसलिए है क्योंकि वो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से डेवलपमेंट करेगा, एडवर्टाइजमेंट रन करेगा और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा, इवेंट देगा गेम में, उसके साथ साथ अगर कुछ दिक्कत भी होता है गेम के साथ तो इंडियन कंपनी का ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया का कंपनी, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू बाहर का, तो वो चीज़ में ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो चलो ये चीज़ अगर हो जाता तो बहुत अच्छा बात है, मैं केवल एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया, और ये चीज़ को आप कोई भी गेम्स या कोई भी एप्लीकेशन में डाल के देख लोगे सबका एक ही जैसा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं न्यू स्टेट के अंदर, थोड़ा बहुत क्रेट ओपनिंग मैं करने वाला हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख पाए न्यू स्टेट के अंदर आ चुके हैं, थोड़ा बहुत क्रेट ओपनिंग करेंगे क्योंकि फ्री में कुछ क्रेट्स मिला है, इधर आप देख पा रहे हो, इधर हम लोग इसको रिसीव कर लेते हैं, देखते कुछ मिलता भी है कि नहीं भाई। इधर आप देख पा रहे मिथिक है ना कि अल्टीमेट क्रेट हम लोग को मिल चुका है, इसमें हम लोग को चिकन मेडल मेंटेनेंस कंप्लीट करने का हम लोग को 10 चिकन मेडल, और उसी के साथ साथ देखो मैकलेरन का हम लोग को 3 कूपन हम लोग को मिल चुका है, ठीक है, ये मिथिक वाला है। तो चिकन मेडल से हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे, केवल जो कूपन है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो चलो हम क्रेट में चलते हैं, सबसे पहले ये अलग क्रेट कूपन हम लोग को मिला है, देखते हैं इसमें से कुछ मिलता है कि नहीं। तो लेट्स गो, हम लोग चिकन मेडल यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा कोई अच्छा क्रेट में हेलोइन आने वाला ना, हेलोइन का क्रेट वेट भी आएगा इसमें, तब ओपन करेंगे, ठीक है। तो परचेस क्लिक करते हैं, लेट्स गो भाई। इसमें जो क्रेट का जो लुक है ना लिटरली बहुत ही ओपी है। चलो इसमें बेकार सा मिलेगा क्योंकि इसमें ब्लू लाइट आ गया। चलो इसमें और भी चलते हैं आगे, दो और बचा हुआ, क्या लगता है कुछ मिलेगा इस बार भी? नहीं मिलने वाला, मेरा लक उतना अच्छा नहीं है इस सब में। चलो इसमें थोड़ा एक कोट मिला है, उसके बाद चलो वापस से एक बार और ओपन करते हैं, एक तो लेजेंडरी वाला मिल जाना चाहिए यार। ओके, इसका नाम है ईएल डोराडो क्रोजा, थोड़ा बहुत केजीएफ का याद आ गया मेरे को, उस फिल्म में यूज किया था ये नाम। तो इधर आप देख पर हम लोग को ये मिल चुका, बहुत अच्छा बात है, एक लेजेंडरी आइटम मिल गया है, मतलब इधर मिलने का चांसेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। चलो नाइस, ओके, तो फाइनल जाते जाते एक चीज मिल चुका है। उसके बाद हम लोग आते हैं मैकलेरन में, इसमें भी हम लोग को 3 मिला हुआ है, तो इसको भी हम लोग ओपन करेंगे, लेट्स गो। ओके रेड कुछ मिलेगा क्या भाई? भाई भाई भाई, पहला ही ओपनिंग में गाड़ी मिल गया, क्या ही लक है भाई, सही है भाई। तो लिटरली फ्री में मैकलेरन मिल रहा भाई, ऐसा हो सकता है वही पहला ही क्रेट में, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल था। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि मेरा क्रेट ओपनिंग इधर ही सक्सेस हो चुका है। चलो अभी कुछ नॉर्मल मिलेगा क्योंकि ब्लू कलर जल रहा, पिंक एंड रेड चलेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे आ जाते हैं, लास्ट ओपनिंग करते हैं। ओके क्वाइस, चलो ये मिल चुका। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो टोटल हम लोग 6 ही क्रेट खुले, बट लिटरली दो, एक लेजेंडरी आइटम मिल गया, एक मिथिक आइटम मिल गया, जो काफ़ी अच्छा बात है। चलो देख लेते दोनों को, तो सबसे पहले इन्वेंट्री में चलते हैं, और उसके बाद ये हम लोग को मिल चुका है ग्रोजा, इधर क्या है ये, नहीं ग्रोजा मिल चुका है, एक्चुअली ग्रोजा का एक स्किन है, बट ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो गेम में अच्छा लगने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग एक गाड़ी का स्किन मिला है, ये तो मिला हुआ था पहले से, मेस्टा ओपन, अच्छा इसका मिला हम लोग को, वाह नाइस गाइस, ये मिल गया हम लोग को डिस्प्ले इन लॉबी, इसको हम लोग डिस्प्ले इन लॉबी कर देते, काफ़ी ठीक ठाक सा लग रहा, फ्री में मिला भाई। ऐसे अगर पीजा में देखोगे तो भाई मेडल जमा करना पड़ता। तो चलो इतने रखते हैं वीडियो को, होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एक अनबॉक्सिंग के साथ बहुत ही जल्दी।